वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की विमान हादसे में मौत हो गई है। वैगनर से जुड़े टेलीग्राम चैनल ने भी प्रिगोजिन के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। इसने कहा है कि वैगनर चीफ और रूस के हीरो येवगेनी प्रिगोजिन मारे गए हैं। रूस की एविएशन अथॉरिटी रोसाविया ने भी कहा है कि प्रिगोजिन और वरिष्ठ वैगनर कमांडर दिमित्री पुटकिन उन 10 लोगों में शामिल थे जो बुधवार शाम क्रैश हुए विमान में यात्रा कर रहे थे। विमान हादसे में 10 लोगों के मारे जाने की बात कही गई है। रूसी इमरजेंसी मंत्रालय ने कहा है कि तेवर क्षेत्र में एक प्राइवेट जेट क्रैश हो गया। इसमें सवार 3 क्रू मेंबर्स और 7 यात्रियों की मौत हो गई। मंत्रालय का कहना है कि विमान राजधानी मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। प्रिगोजिन ने जून में ही रूस के खिलाफ बगावत की थी। ऐसे में इस बात की भी चर्चाएं हो रही है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहीं प्रिगोजिन को इसकी सजा तो नहीं दी है। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन का अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाने का रिकॉर्ड रहा है। रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ खड़े होने का मतलब है मौत को दावत देना। वैगनर की बगावत के बाद से ही तय था कि प्रिगोजिन की हत्या जरूर होगी। यही वजह है कि बुधवार को हुए हादसे में लोग पुतिन का हाथ होने की बात भी मान रहे हैं।